नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रस्तावना कौशल की हम बहुत सारी वीडियो कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई सब्जेक्ट के अंदर आपको वीडियो की आवश्यकता होती है, मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। कुछ कमेंट आ रहे थे उदाहरण कौशल की, उदाहरण कौशल की हमने एक भी वीडियो नहीं डाली है, तो उदाहरण कौशल की आज वीडियो डालते हैं। भले ही आप कोई सा कौशल करने जा रहे हो, सबसे पहले आपको बोर्ड मेंटेन करना होता है। देखिए किस तरह से बोर्ड मेंटेन करते हैं। सबसे पहले अपने लिखते हैं दिनांक, दिनांक लिख दीजिए 27 सितंबर 2018। इसके नीचे अपने लिखते हैं विषय। दोस्तों आज हम गणित विषय की बात करेंगे। इसके बाद आइए कौशल। कौन सा कौशल है? उदाहरण कौशल। इधर लिखते हैं हमने कक्षा, मान लीजिए 7th क्लास का टॉपिक है कालांश, 4th पीरियड चल रहा है और समयावधि। समयावधि क्या है? 5 से 7 मिनट। समयावधि क्या है? 5 से 7 मिनट। अब देखिए दोस्तों प्रकरण, यानी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले होता है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल के अंदर अपने टॉपिक में लिखते हैं, बच्चों से उसके पूर्व ज्ञान संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद जैसे टॉपिक का नाम हो जाता है अपने यहाँ पे लिख देते हैं। अगर प्रस्तावना कौशल के अलावा और कोई भी कौशल है तो अपने जाते ही यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखेंगे। आज अपने कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? अपने बात कर रहे हैं वृत्त के बारे में। आप देखिए उदाहरण कौशल क्या है, अपने को बच्चों को समझाना है वृत्त क्या है। कोई भी अपने उदाहरण देके समझा सकते हैं, उसकी परिभाषा तो अपने को देनी है। अपने अगर कोई महत्वपूर्ण डाटा आता है जो आपको लगता है कि दिमाग के अंदर नहीं जा पाएगा, अपने को श्यामपट का यूज नहीं करना है। अगर आपको लगता है ये बच्चों के दिमाग में नहीं जा पाएगा, आप उसके लिए आप श्यामपट का यूज कर सकते हो। देखिए दोस्तों वृत्त क्या है, अगर किसी घोड़े को किसी रस्सी की सहायता से निश्चित स्थान पर बांध दिया जाए, अगर किसी घोड़े को, यह हमारा घोड़ा है, रस्सी की सहायता से निश्चित स्थान पर बांध दिया जाए और वो उसके चारों ओर परिक्रमा करे, अगर किसी घोड़े को किसी निश्चित स्थान पर किसी रस्सी की सहायता से बांध दिया जाए और अगर वो उसके चारों ओर परिक्रमा करे तो उसका परिपथ, यानी कि ये जो परिपथ है ये वृत्त कहलाता है। ये जो गोलाकार आकृति है ये वृत्त कहलाता है। वो निश्चित जो स्थान है वो उसका वृत्त का केंद्र कहलाएगा और जो रस्सी है, जो रस्सी की लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने उदाहरण हो गया क्या कि अगर किसी घोड़े को किसी रस्सी की सहायता से किसी निश्चित स्थान पर बांध दिया जाए और वो उस निश्चित स्थान के चारों ओर परिक्रमा करे तो उस चारों ओर परिक्रमा का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। वो निश्चित स्थान के अंदर कहलाता है और जो रस्सी की लंबाई है वो त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया उदाहरण, ये बच्चों के दिमाग के अंदर आ जाएगा। अब आइए परिभाषा पे। किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पे, वृत्त से प्रकाश का चाप भरिएगा, एक समान दूरी पे खींचे गए बिंदुओं का बिंदुपथ किसी निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पे खींचे गए बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है तथा वृत्त से उस निश्चित बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है।
अपने यहाँ पे भी परिधि के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि घोड़े द्वारा एक चक्कर पूरा करने में चली गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है, और यहाँ भी कर सकते हैं कि उन जो बिंदुओं की जो दूरी है एक चक्कर में वो क्या है, वृत्त की परिधि कहलाती है। अब देखिए आप क्या बताओगे, त्रिज्या को हम आर से निरूपित करते हैं तथा वृत्त की परिधि का मान, जो वृत्त की परिधि का मान है ये क्या होगा, 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ये कितनी जगह घेर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जहां पाई एक नियतांक है तथा इसका मान 22/7 अर्थात 3.14 होता है। ये आप बच्चों को बता दीजिए, वृत्त की परिधि का मान 2 पाई आर होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई क्या है, एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान 22/7 तथा 3.14 होता है। ये बच्चों को समझ आ गया, ये हो गया अपना उदाहरण क्वेश्चन। आप इस क्लास में आप 2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों को समझ आया नहीं आया, तो आप बच्चों को खड़ा कीजिए, बच्चों बताओ वृत्त की परिधि का मान क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई का मान क्या होता है, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, ये सारे क्वेश्चन इसमें आप बच्चों से पूछ सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को